हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है, और मैथमेटिक्स में जो है हम वर्क एंड वेजेज से जो है क्वेश्चन पढ़ रहे थे। वर्क एंड वेजेज के किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली, उनकी चर्चा यहाँ पे हम कर रहे थे। तो वर्क एंड वेजेज का ये जो है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखते हैं इसका जो है वर्क एंड वेजेज का ये अगला क्वेश्चन किस प्रकार से जो है आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मिनट, ये अगला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन कुछ वो टफ वाला नहीं है, इसको भी हमने पहले जो है दिखा दिया है। पहले वाला ही क्वेश्चन जो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था, तो उसी से जो है रिलेटेड है, और यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। इतना समझाने वाला अब ये रहने गया, क्योंकि एक बार जो हम बता दिए हैं इसको। ए बी सी किसी काम को करने के लिए 4200 रुपये का इन्होंने ठेका ले लिया। ए उसे 6 दिन में, बी उसे 10 दिनों में, सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों काम करें तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। जिसकी कार्यक्षमता जितनी ज्यादा उसको उतनी मजदूरी मिलेगी। सभी प्रकार से हम किसी ना किसी प्रकार से काम करने की क्षमता निकाल लें, या एक दिन में कितना काम करते हैं, या हम निकाल लें कि किसका जो है मतलब काम करने का पावर ज्यादा, मतलब के वही क्षमता जो ज्यादा है। तो ए बी सी तीनों 4200 रुपये कमाते हैं। ए की जो है हम वही अपना पुराना वाला फंडा ए बी सी लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं ए को 6, बी को 10, सी को 12। ए को 6, बी को 10, सी को जो है 12। तो 12 × 5 = 60 होता है, 6 × 60 होता है, आंसर हमारा जो 60 आ जाएगा, 6 × 60 होता है। 10 काम पर डे करता होगा, 10 × 60 होता है, 6 काम पर डे करता होता है, 12 × 5 = 60 होता है, 5 काम पर डे करता होगा। टोटल जो काम है यहाँ पे कितना, देखिए टोटल काम 6, 5, 11, 21 है। अब बोलिए 21 काम करने का इनको 4200 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 4200। 21 काम करने का 4200 रुपये मिलता है। एक काम का अगर जो निकाल लें यहां से, तो हमें पता कर सकते हैं कि 10 काम का कितना होगा और 6 का कितना होगा, 5 का कितना होगा। एक काम को निकालना है बस, कुछ नहीं करना है। एक का निकालने के लिए हम इसको 21 से डिवाइड करेंगे, 21 × 42 होगा। बोलो एक काम का इनको 200 रुपये मिलता है, एक काम का 200 रुपये मिलता है। बोलो 10 काम का कितना मिलेगा? 10 काम का मिलेगा 2000। अगला देखिए, 10 काम का 2000 मिलेगा, एक काम का 200 मिलता है। बोलिए 6 काम का कितना मिलेगा? 1200 रुपये मिलेगा, 6 काम का जो है 1200 मिलेगा। अब बोलो 5 काम का कितना मिलेगा सी वाले को? 5 काम का जो है मिलेगा कितना? 1000 रुपये। हमें पूछा केवल सी का था, तो हमें सी वाला ही दिख देंगे कि 1000 रुपये जो है वो सी को मिलेंगे, बाकी काम को पूछा नहीं था। हालांकि हमने निकाल लिया, हमें निकाल लिया वो भी सही रहा, और कोई बात नहीं है कि तीनों का भी दिया होता तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी किसी काम को पूरा करने के लिए 6500 रुपये का ठेका इन्होंने लिया है। ए उसे अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 15 दिनों में पूरा करता है, सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 12 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन बताना है आपको। यदि तीनों मिलकर के काम को पूरा करें तो बताइए बी को कितने रुपए, यदि वे तीनों मिलकर काम पूरा करें तो बी की मजदूरी कितनी होगी। अब बोलो भैया, इन्होंने ठेका जितने का लिया होगा, ये क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। जितना तीनों मिलकर के करेंगे, तो तीनों मिलकर ठेका तो इतने का ही लिए थे, 4200 का। सी की मजदूरी कितनी होगी, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन था, एक मिनट। हाँ, ये 6500 रुपये को मिलते हैं। ये तीनों मिलकर काम पूरा करें तो बी की मजदूरी कितनी, वहां पे सी पूछा था, यहाँ पे बी पूछा है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी एलसीएम वही आएगा। डायरेक्ट हम देखते हैं ए बी सी, ए के कितना है? ए का 10 है, बी का 15 है, सी का 20 है। 10 है, 15 है, 20 है, इन तीनों का एलसीएम 60 आएगा। ये 6 काम पर डे करता है,
ये चार काम पर डे करता है, ये तीन काम पर डे करता है, टोटल कितना निकलेगा? 6 4 10 3 13, 13 काम टोटल हैं, तीनों मिलकर के करते हैं एक दिन में, 13 काम पर डे ये करते हैं। अब बोलो 13 से अगर जो हम डिवाइड करेंगे तो हमको एक काम का जो है यहाँ पे निकल आएगा, 13 5 65 होता है। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कटेंगे और यहाँ से ये कटेंगे, 13 5 65 होता है। एक काम का 500 रुपये मिलता है, एक काम का जो है उनको कितना रुपया मिलता है? एक मिनट, एक काम करने का 6500 है। डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करे थे, देखिए 13 है, 13 5 65 होता है, 500 रुपये जो है उनको एक काम का करने का मिलता है। अब बोलिए एक का 500 मिलता है तो बी को कितने काम करने पड़ते हैं? बी को जो काम करना पड़ता है 4 काम पड़ते हैं, तो 5 चौकू कितना होता है? 20 होता है। बी को 4 काम, 4 गुणे 500, आंसर ले लीजिए 2000 आएगा। बोलो बी को 2000 रुपये मिलते हैं, ऑप्शन कहीं दिख जाए वही वाला टिक कर देना। इतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आप, और भी इतनी तेजी से आप सॉल्व कर सकते हैं, पेन पेपर लेकर बैठेंगे तो ये भी टाइम आपको नहीं लगने वाला। देखिए राम इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं, थोड़ा घुमा के पूछा है, इसको समझिए। राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और राम और श्याम मिल करके उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 400 रुपये पाते हैं, प्रत्येक की दैनिक मजदूरी निकालना है। देखिए राम को हमने लिख दिया आर से, वो कितने दिन में काम कर रहा था? वो 20 दिनों में पूरा कर देता है। और श्याम को हमने लिख दिया, वो कितना लिख दिया? 15 दिन में। यहां पे राम प्लस श्याम है ना, ये दोनों दिए हैं ना, राम और श्याम दोनों मिलकर के 15 दिनों में पूरा करते हैं। इनका एलसीएम निकालते हैं कितना आएगा? 60, ठीक है, इनका एलसीएम निकलेगा 60, तो 20 तिया कितना होता है? 60। ये तीन काम पर डे राम करता है, दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? 15 चौके 60, 15 चौके 60। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्याम काम करता है ये दोनों का दिया है, इसमें से अगर जो हम इसको घटाएंगे पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे तो ये माइनस का जाएगा, और सॉरी ये प्लस और ये माइनस का जाएगा, तो ये भी यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस का, उससे नहीं मतलब है, इनको इक्वलिटी करेंगे ना हम, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, इसमें से 4 में से 3 घटा दोगे एक बच जाएगा। तो श्याम जो करता है एक काम पर डे करता है, राम जो करता है वो 3 काम पर डे करता है, जो कि हम यहाँ पे देख लिए हैं कितने दिए हैं, 3 काम, ये एक घटाएंगे तो एक काम पर डे करता है, दोनों मिलके 4 काम करते हैं, तो दोनों की सम्मिलित मजदूरी जो है 4 काम करते हैं, तो टोटल रुपए जो है उनको 400 मिलते हैं, 4 काम करते हैं। एक काम का निकाल लेंगे, बाकी का हम निकाल लेंगे धीरे एकदम से। तो दोनों को 400 रुपये मिल रहे हैं, और 400 मिल रहे हैं तो 400 से डिवाइड करेंगे, एक काम का उनको 100 रुपये मिलता है। बोलो एक काम का 100 रुपये है तो 3 काम करने का इसको कितना रुपया मिलेगा? श्याम को जो है वो 300 मिलेंगे, श्याम को 300 मिलेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं ना, पहले राम को लिखते हैं, इसका जो है 300 मिलेंगे, राम को जो है 300 मिलेंगे, और फिर यहाँ पे श्याम को मिलेंगे, श्याम को 100 रुपये मिलेंगे, एक से डिवाइड गुणा करेंगे, इसको एक से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, तो 300 और 100 कहीं पे ऑप्शन दिख जाए तो वही वाला सही कर देना, वही वाला जो है ऑप्शन सही होगा। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।